हेलो नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ए आर एस्ट्रोलॉजी और जेम्स में। आज मैं आप लोगों को एक राजयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा राजयोग जो आपकी जीवनी पलट सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसा राजयोग आपकी कुंडली में जो आपका जीने का तरीका, आपकी जीवन, आपका तौर तरीका, समाज, मान सम्मान ये सब दिला सकता है। और अगर आपके कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे हम कुंडली की भाषा में बुध आदित्य योग कहते हैं। सूर्य और बुध ये दोनों की युति होने पर इस प्रकार का योग बनता है, जिसे बुध आदित्य योग कहते हैं। ये एक प्रकार का एंटरप्रेन्योर योग भी होता है, बिजनेसमैन योग भी होता है। अक्सर देखा गया है कि इन्हें क्रिएटिव आइडियाज आते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार में बदलाव करने के लिए, तरक्की की ओर ले जाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये बहुत अच्छे अच्छे इनके पास आइडियाज़ रहते हैं और ये अपने काम में 100% देते हैं। 110% कहेंगे तो भी कम नहीं होगा, तो भी गलत बात नहीं हो सकती है। ये हमेशा अपने कार्य को निपुणता से निभाते हैं, जिनके कारण इन्हें समाज में खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। अगर आपको किसी ना किसी प्रकार से ये योग फल नहीं दे रहा है, हो सकता है ये तीसरे घर में हो, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का होता है, इसलिए कुंडली में तीसरा घर अच्छा नहीं माना जाता। और अगर तीसरे घर पे नहीं है, किसी और घर पे है, तब भी ये आपको फल नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राग योग क्यों ना हो लेकिन वो आपको फल नहीं दे रहे हैं, तो उसका कारण सिर्फ एक हो सकता है, वो होगा पितृदोष। तो पितृदोष कैसे होता है? पितृदोष अपने पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ आप बदतमीजी करें, उनका आदर ना करें। और ये पुरानी कहावत है, एक देखा गया है कि पहले के जमाने में जब कोई खत्म होता था बुजुर्ग, और गांव में एक ही मुक्ति धाम होता है, और वहाँ पे सब अपना अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, जितनी जल गई उतनी जल गई, बाकी छोड़ के आ गया, फिर बाद में कोई और किसी की और बुजुर्ग की वहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ, पर आपको पता नहीं कि आपके कौन है, आपने अस्थियाँ उठाई, विसर्जन किया, अपना काम नहीं कर। इस प्रकार से भी पितृदोष का निर्माण होता है, क्योंकि आप उनका निरादर कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे। अपने पिता को मारना, अपने पिता से बदतमीजी करना, पिता से झूठ बोलना, अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों का निरादर करना, ये होता है पितृदोष का कारण। पितृदोष इसी से निर्माण होता है। अगर आपको इसके लक्षण देखने हैं तो पितृदोष के लक्षण जो है, बीमार होना, कर्जा बढ़ जाना, गर्भपात होना, गर्भधारण ना होना, 70% अगर आप किसी शराब का, मांस मदिरा का, गलत चीज का सेवन करें, गलत बुरी आदतें लग गई, तो 70% कहा जाता है ज्योतिष के हिसाब से कि ये पितृदोष का ही कारण होता है, जो आप गलत संगति में आ जाते हैं। जी हाँ, इसका निवारण करने के लिए आपको पितृदोष का शांति करानी, तो आप पितृदोष को शांत कराएं, तो आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे, आपके बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे, और आपको यह सब चीज का फल जरूर मिलेगा। तो आइए चले आते हैं फिर से अपने बुध आदित्य योग में। यदि किसी व्यक्ति के बुध आदित्य योग अगर दशमांश कुंडली में विद्यमान हो, मतलब D10 चार्ट में हो, तो ये और भी ज्यादा बेहतर फल देता है आपको। ये चार चांद लगा देगा आपके काम पे, बहुत ज्यादा तरक्की की ओर लेके जाएगा। अगर आपको भी आज का कंटेंट अच्छा लगा, आज की जानकारी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें ए आर एस्ट्रोलॉजी और जेम्स। ओम नमः शिवाय।